Hare Krishna. So we'll be today reciting the shlokas, 108 important shlokas of Bhagavad Gita. We'll be starting with the first shloka. First important shloka of Bhagavad Gita is first chapter, first shloka. So first chapter is entitled Observing the Armies on the Battlefield of Kurukshetra. सैन्य निरीक्षण, हिंदी में इसका नाम है, चैप्टर का नाम है सैन्य निरीक्षण। तो इसके पहले श्लोक का हम आज रिसाइटेशन करने का प्रयास करेंगे, उसको बोलने का प्रयास करेंगे, कैसे श्लोक याद करते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें श्लोक में चार पार्ट हैं, इस श्लोक के हर एक श्लोक के चार पार्ट रहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम तीन बार बोलेंगे, दूसरे को तीन बार बोलेंगे, फिर पहला लाइन पूरा तीन बार बोलेंगे, फिर तीसरे पार्ट को तीन बार बोलेंगे, चौथे पार्ट को तीन बार, फिर सेकंड लाइन तीन बार, फिर पूरा श्लोक तीन बार बोलेंगे। तो इस तरह से श्लोक हमारा आराम से याद हो जाता है। संस्कृत सीखने का ये बहुत ही सरल माध्यम है, आप भी कोई भी श्लोक याद कर सकते हैं। तो हम पहले श्लोक से स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग मेरे पीछे बोलिए, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो अभी पहला लाइन तीन बार बोलेंगे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। तो इस तरह से यह श्लोक हुआ। अभी हम लोग पूरा श्लोक बोलने का प्रयास करेंगे, तो आप सबको मोस्टली ये सब बोलने से याद हो जाएगा। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, पूरा श्लोक बोलेंगे, ठीक है, तीन बार पूरा श्लोक बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा बाद में। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। तो इस तरह से उम्मीद है आप सबको याद हो गया होगा। तो हमारे साथ में जैसे दो विद्यार्थी जुड़े हैं, एक है आशुतोष प्रो जो कि वाशी से आए हैं, और हैं अनिरुद्ध प्रो जो कि कल्याण से आए हैं। तो आप सब लोगों को याद हो गया, आप सब एक बार बिना देखे बोलने का प्रयास करिए। पहले अनिरुद्ध प्रो बोलेंगे, फिर आशुतोष। धृतराष्ट्र उवाच।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकूर्वत संजय। वाह वाह, पूरा याद हो गया श्लोक। अभी आशुतोष को भी बोलेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकूर्वत संजय। तो ये बहुत सुंदर विधि है, सबने बहुत सुंदर रूप से याद कर लिए हैं, है ना। सबके लिए बहुत बहुत बधाई। अभी हम लोग दूसरे श्लोक के ऊपर बढ़ते हैं। तो प्रथम अध्याय में आचार्य गणों के उनके व्यू पॉइंट से प्रथम अध्याय में यही एक इम्पॉर्टेंट श्लोक था। अभी हम लोग दूसरा जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो 2.7 है, तो उसके बारे में भी हम लोग बोलने का प्रयास करेंगे। वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हरे कृष्ण।